क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स फाइंड करनी है ना। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली वर्किंग होगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस चीजेस, और इसमें क्या दिया हुआ है आपको? फेड इन दिया हुआ है। फेड इन मतलब कैरेज इन वर्ड, फेड इन परचेज रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? जो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा ना। पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फॉर सेल माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। परचेज रिटर्न 65, रिटर्न माइनस होती है। ट्रेड इन दिया हुआ आपको 15,000, 15,000 लिख लेते हैं। परचेजेस नहीं दी हुई, सेल्स है। अच्छा अब सेल्स, अच्छा क्लोथिंग स्टॉक है 90,000। सेल्स गिवन है, सेल्स से तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे ना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन क्या होगी यहाँ पे? प्रॉफिट मार्जिन है 30%, प्रॉफिट मार्जिन में सेल्स 100%, प्रॉफिट 70%, तो कॉस्ट प्रॉफिट 30 है, तो कॉस्ट 70 होता है। 70 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, 140,000, 1,40,000, 14 लाख है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये फाइंड करना है। ऊपर से तो हम नहीं स्टार्ट ले सकते ना, ओपनिंग स्टॉक स्टॉक नहीं है। अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना होगी। अब 14 लाख में 90,000 प्लस होंगे, ये 14 लाख 90,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये कर। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड करना। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक परचेज गिवन होता तो ऊपर से हम ये एडजस्ट करते जाता, लेकिन अब ओपनिंग स्टॉक परचेज गिवन नहीं है तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। नहीं क्या लिखता? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अक्टूबर 2006 अ फायर डिस्ट्रॉयड द इंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ऑफ अ सुपर स्टोर, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या? कैलकुलेट एस्टिमेटेड लॉस। ठीक, अब गिवन क्या आपको? सेल्स दी हुई है 1 जनवरी टू 9th अक्टूबर, इन्वेंट्री 1 जनवरी, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज 1 जनवरी टू 9th अक्टूबर, मार्कअप दिया हुआ। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, लॉस फाइंड कर। क्या चीज मिसिंग है इसमें? क्लोथिंग इन्वेंटरी मिसिंग है ना, क्लोथिंग इन्वेंटरी मिसिंग है। क्यों नहीं है? हाँ हाँ बोले। नहीं मतलब जो भी उसका एंड है, जैसे 9th अक्टूबर तक का डेटा है ना, 9th अक्टूबर का स्टॉक होना चाहिए। तो मॉर्निंग में हुआ था तो रात तक सारा, रात तक जल गया सारा। मॉर्निंग में आग लगी तो रात तक सारा स्टॉक जल गया होगा। ठीक है, यही पॉइंट है, कहना था कि आग लगी तो वो जो सारा स्टॉक तो जल गया, क्लोथिंग स्टॉक क्या होगा? जीरो, जीरो हो गया ना।
लिखा हुआ है कि फायर डिस्ट्रॉयड इंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो उस दिन जो भी स्टॉक था वो सब का सब जल गया, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, जीरो, इसलिए गिवन नहीं है, राइट। अब हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, लॉस, कितना लॉस हो, तो क्या फाइंड करना होगा इसमें, देखिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ ना, क्यों नहीं दिया हुआ, जल गया तो वही लॉस हो गया, तो वही लॉस हो गया, यानी कि 10 अक्टूबर को, हाँ अपन को क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। असल में जो स्टॉक था 10 अक्टूबर का वो जल गया सब, वही लॉस है आपका। तो 10 अक्टूबर का स्टॉक फाइंड करना है और वो इक्वल हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के, क्योंकि 1 जनवरी के स्टॉक दिया हुआ है, 10 अक्टूबर का फाइंड कर लेंगे कितना था, वो सब जल गया, वही लॉस हो जाएगा। कैलकुलेशन होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस दिया जाएंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, वैल्यू स्पोर्ट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितने हैं 1 लाख, परचेजेस 6,30,000 टोटल करें 7,30, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम सेल से फाइंड कर लेंगे, जब सेल्स यहाँ पर है कितनी 7,20,000 और मार्कअप है 20%, मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 20%, तो सेल्स 120, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड 120 से, कितना आ रहा है 3,00,000 आ गई। अब यहाँ रखते हैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यहाँ लिख लेते हैं, अब इसमें से गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1,30,000 का, और यही हमारा लॉस होगा, एस्टिमेटेड लॉस कितना हो गया 1,30,000, जितना जला जो क्लोजिंग स्टॉक था सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो यही हमारा लॉस। क्वेश्चन नंबर 17, 16 होमवर्क है, 17 थोड़ा सा चेंज है, इसमें दिया फायर ऑन 30 सितंबर डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द कंपनीज इन्वेंटरी एंड इट्स इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओपनिंग इन्वेंटरी है, सेल्स है, परचेज। अच्छा इसमें एक पॉइंट ऐड हो गया, देखिए इन्वेंटरी इन गुड कंडीशन एट 30 सितंबर, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स इज 20। अच्छा अब इसमें क्या है, तमाम स्टॉक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ स्टॉक बचे, अब कितना डिस्ट्रॉय हुआ ये बता, लॉस कितना हुआ, ठीक है उसमें क्या करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इसमें क्या करेंगे हम वही क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे, पहले क्लोजिंग स्टॉक में से ये गुड कंडीशन स्टॉक माइनस करेंगे लॉस आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आ जाएगा गुड्स, सेल क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, स्टॉक कितने 18,000, परचेजेस 12,000, ऐड करें दोनों को, ओपनिंग और परचेज का टोटल हो गया 7,30,000, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें फाइंड करना
बहुत कंडीशन है ना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है वो, ये तो वो जो बच गया डिस्ट्रॉय होने से बच गया। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हम सेल्स से फाइंड करेंगे। सेल्स कितनी है आपकी? 6,12,000, और यहाँ पे इसने दिया है परसेंटेज ऑन सेल्स, इनके मार्जिन दिया हुआ 25% मार्जिन। मार्जिन में सेल्स 100% होगी, प्रॉफिट 25% और कॉस्ट 75%। अरे 4,59,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, 4,59,000। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, 271,000 क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तब लॉस कितना हुआ? लॉस 271,000 का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त गुड कंडीशन में कितना स्टॉक है? 4,12,000, बाकी 57,000 का स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, लॉस गया। आंसर हुआ 57। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, रीड कर लेते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2008 वाज बेस्ड ऑन एन इन्वेंट्री काउंट ऑन 4 जून, विच गेव अ टोटल इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ 8,36,200। इन्वेंट्री काउंट कब किया उसने? 4 जून को। स्टॉक कितना था? 8,36,200। अच्छा बिटवीन 31 मई एंड 4 जून 2008 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। परचेज हो गई, सेल्स, गुड्स रिटर्न टू एक्स बाय एक्स टू सप्लायर। अच्छा व्हाट एडजस्टेड फिगर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इन्वेंटरीज एट 31 मई 2008। अभी जून 4 का स्टॉक दिया हुआ है, 31 मई का फाइंड करना है, तो जून 4 के स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक पे रख देंगे, तो 31 मई का स्टॉक ओपनिंग बन जाएगा, वो फाइंड कर लेंगे। तो जून 4 के स्टॉक को क्लोजिंग में रखते हैं, तो हमें 31 मई ओपनिंग फाइंड करना होगा, रिवर्स कैलकुलेशन। अब इसमें दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ, एक के लिए ही कैलकुलेशन यूज होगी। 18% 18, लेकिन एक हम इसी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, और एक तरीका और है वो भी आपको बता दूंगा, दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। वो तो निकालनी पड़ेगी, इसमें एक लाइन ऐड हो जाए, परचेज रिटर्न आ जाएंगे ना, परचेज सेल्स एंड रिटर्न बाय एक्स सप्लायर, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। अच्छा अब 31 मई के स्टॉक को हम सपोज कर लेते हैं ओपनिंग, और 4 जून के स्टॉक को सपोज कर लें क्लोजिंग। 4 जून का स्टॉक कितना था? 8,36,200। परचेजेस कितनी है? 8,600। सेल्स हमने किए, छोड़ देंगे, परचेज रिटर्न 700। अब सेल से हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल कितनी हुई? 14,000। अब मार्जिन दिया हुआ है 30% का मार्जिन है, कॉस्ट हो गई 70% और आपकी सेल्स 100%, 9,800 ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई। अब इसमें हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, 9,800 में स्टॉक को ऐड करें, टोटल बताएं 846,000। अब इसमें पूरा होगा ना सर, 800 बराबर हो गया ना, ये क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर लें। अब इसमें परचेज रिटर्न ऐड होंगी और परचेजेस लेस होंगी,
बताएं क्या आ रहा है? 838 100। ये आपको कह लेंगे 31 मई का स्टॉक आ जाएगा, ये आसान तरीका है। वो तो और ये बस। अच्छा इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक टाइमलाइन बना के भी सॉल्व हो सकता है। हाँ ये आसान है। अभी मई 31 का स्टॉक हमें फाइंड करना है और जून 4 का स्टॉक दिया हुआ है, आसान है, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा कर लें तो पूछ कर लेते हैं एक्स। अब इसमें क्या होगा, अब हमें जून 4 का स्टॉक गिवन है ना, कितना 836 ये दिया हुआ। तब मई 31 के से जून 4 पे जाना है, इसमें क्या होगा कि परचेजेस ऐड होंगी, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, परचेजेस ऐड होंगे, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस, और बस यही है ना आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा 4 जून का स्टॉक। परचेजेस कितनी है, 600 माइनस परचेज रिटर्न 700 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9800 इक्वल्स टू 836। अरेंज कर लेते हैं तो 836 200 माइनस 900 क्या नहीं आ रहा, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा इसको अरेंज करेंगे तो अभी 8600 राइट पे जाके माइनस हुआ, 700 प्लस होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी प्लस हो जाएगा। हम करें तीनों 838 100। ये तरीका है, ये ऊपर वाला आसान है। हाँ ये एक नई चीज है, दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। चलो फॉर्मेट लाइन में बैठ गया ना आपके। क्वेश्चन 18 हो गया कंप्लीट। अच्छा 19 आप लोग कर देते थे। अभी एक चीज और इसके अंदर समझा दो, लास्ट में मैंने दिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्क। अच्छा ये एक कन्वर्जन के फॉर्मूले, तो मार्जिन परसेंटेज अगर गिवन है उसको मार्कअप में कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे, और अगर मार्कअप परसेंटेज गिवन है मार्जिन में कन्वर्ट करना है तो कैसे। अच्छा इसको यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं हम। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्कअप मार्जिन समझाया था ना, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया था 20%, प्रॉफिट मार्कअप कैलकुलेट किया था 25%। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले ये मार्जिन है इसे हम कन्वर्ट करते हैं मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज इसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपॉन 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 20%, तो ये हो जाएगा 0.5 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 कर 0.25 आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25%, ये 20% मार्जिन था, 25 मार्कअप में हमने कन्वर्ट कर। देखिए मार्कअप 25 ही था ना, सेम हो गया। अच्छा मार्कअप को कन्वर्ट करते हैं मार्जिन में, इसका फॉर्मूला क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप अपॉन 1 प्लस मार्कअप। अब लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25 0.0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 20%।
देखिए मार्कअप 25 था, मार्जिन में कन्वर्ट होके 20 हो गया, और मार्जिन हमने पहले 20 ही कैलकुलेट।